हरे ओम। कितने आपने लगाए इसमें से लगने के? वही 43 के जी। स्वास्थ्य प्रस्ताव लाने के पीछे क्षेत्र में प्रॉपर विकास कार्य नहीं होना, विकास कार्य जो भी हो रहा था सही ढंग से नहीं होना, और क्षेत्र पंचायत जो चुने गए हैं उनको वो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको आगे अपनी राजनीति देखनी है। उस हिसाब से गांव में विकास नहीं हो पा रहा था। बार बार उनसे आग्रह करने पर भी उनकी कार्य योजना स्वीकृत नहीं हो रही थी, तो उसको देखते हुए ये लोग अविश्वास के मूड में हैं। ब्लॉक सब शाहबगंज की जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि, उनके विरुद्ध लगभग 45 शपथ पत्र सहित कुछ बीडीसी मेंबर्स आए हैं और उन्होंने उनके विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया है। तो वो सभी जो एफिडेविट्स आज लेकर आए हैं सभी बीडीसी मेंबर्स ब्लॉक प्रमुख शाहबगंज के विरुद्ध, उन सभी की जाँच करंटली कराई जा रही है। इस समय DPRO साहब, DDO साहब उसकी जाँच कर रहे हैं, और सही पाए जाने पर जो विधिक प्रक्रिया है विद इन अ मंथ उसका अविश्वास प्रस्ताव की एक डेट डिसाइड करके और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा सभी मेंबर्स के द्वारा। करप्शन का भी आरोप लगाया है सर उन लोगों ने वर्तमान प्रमुख के खिलाफ, इसकी इंक्वायरी भी कराएंगे अलग से? जो शिकायत दी जाएगी उसकी अलग इंक्वायरी होगी, और फिलहाल जो आज लोग आए हैं वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो अधिनियम के अंतर्गत विधिक प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक में धनबल बाहुबल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार शशि उपाध्याय सरोज सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला के कुर्सी पे बैठी, अब सरोज सिंह के द्वारा लाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या इन लोगों की भी जांच कराई जाएगी? इस चीज़ की ज़रूर जांच कराई जाएगी कि किसी भी गलत प्रकार के किसी टूल्स का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। सभी चुनावों की शुचिता बरकरार किए जाने का की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की और पुलिस की है, तो वो शुचिता निश्चय ही बरकरार रखी जाएगी और ये मेक श्योर किया जाएगा कि सभी इलेक्शंस जो भी हैं वो पारदर्शिता से हों। और